हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। और ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। आज अपनी फर्स्ट फ्रेंचाइजी यू रेड मी की ओपन होने जा रही है, तो अभी मैं तुम लोगों को वहां पर लेके चलूंगा। अभी हम जहां जा रहे हैं ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। और ये भाई साहब भी जा रहे हैं, ठीक है, खुशकिस्मत है कि मेरे साथ जाने का मौका मिल रहा है। एनीवे, तो हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं और अंदर एंट्री करते हैं, तुम लोग मेरे साथ चलोगे, ठीक है। और मेरे को आई एम डैम श्योर कि तुम लोग खुश हो जाओगे वो चीज देख के। अभी 10 लोग हैं जो कि ओल्ड एज होम पे हैं, और तो इन सब को भी हम लेके जा रहे हैं। कुछ लोग इस गाड़ी में और कुछ लोग हमारी पीछे वाली गाड़ी में हैं। और मेरे को पता है तुम लोग बहुत दिमाग वाले हो, गैस कर लोगे। तो मेरे को ये बताओ बस, तुम लोग गैस करके अब क्या होगा, तुम्हें अगर तुम अभी तक पता कर चुके हो तो कमेंट बॉक्स में इसको बताओ कि क्या होगा। अजीब है विद इन वन मंथ कई जगह ओपन होने जा रही है, जिसकी सेकंड फ्रेंचाइज खजुराहो, थर्ड फ्रेंचाइज मोहाली और फोर्थ फ्रेंचाइज कुरुक्षेत्र में ओपन होने जा रही है। और इसका मेन हेड ऑफिस नोएडा बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि घर बैठे ही लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग बुक कर सकते हो। आप केवल ऐप डाउनलोड करो यू नीड मी का प्ले स्टोर में जाकर, और वहाँ पर जो भी आपको काम कराना है, लॉन्ड्री, ड्राई क्लीनिंग, कुछ भी, वो बाकी लॉन्ड्रियों से जहाँ आपका पेट्रोल या किसी भी सस्ते केमिकल से कपड़ा धुलता है, उससे अच्छे केमिकल से, इंडिया के बेस्ट केमिकल, स्टार्च केमिकल से आपका कपड़ा ड्राई क्लीन किया जाएगा, और साथ में आपकी कपड़े की लाइफ बढ़ेगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको रेट जो है उनसे सस्ते पड़ेंगे। होने के बाद अब हम यहाँ पे जो भी हमारे ओल्ड एज होम के लोग आए थे वो स्वेटर दिए जाएंगे। और ये रहे हमारे फ्रेंचाइजी के पहले ओनर संजय भैया, तो संजय भैया सबको देंगे स्वेटर। तो ये इन्हीं की फ्रेंचाइज है। हाँ ठीक है संजय भैया, संजय रुक गया। तो मेरे को लगा कि इनॉग्रेशन के साथ साथ अगर इन्होंने रिबन काटा है तो इनको, अगर ये यहाँ तक आए हैं तो एक दिन तो इनका हक बनता है कि एक दिन तो ये अच्छा खाना खाएं, बहुत अच्छा खाना खाएं। अगर हम महीने में 5 दिन
जा सकते हैं, हर वीक एक बार रेस्टोरेंट जा सकते हैं, तो इनका भी हक बनता है कि ये भी एटलीस्ट महीने में एक बार तो अच्छा टेस्टी खाना है। तो जो खाना अभी मैं खाऊंगा वही खाना ये लोग खाएंगे। और ये कोई मैं मतलब महान काम या बड़ा परमात्मा वाला काम नहीं कर रहा हूँ, ये हम सबको रेगुलर बेस पे करना चाहिए। तो करते रहो यार, ये लोग वैसे सताए हुए लोग हैं जिनको मतलब मैं उस तरह के बेटों की मैं मजबूरियाँ नहीं समझ सकता हूँ कि उन बेटों की क्या मजबूरियाँ होती होंगी जो अपने माँ बाप को ऐसे घर से निकाल देते हैं, उनको मारते हैं, खाना नहीं देते हैं। लेकिन ये मत भूलना कि ये लोग, इन्होंने ही तुमको बड़ा किया, इन्होंने तुम्हें इस लायक बनाया है कि आज तुम सरकारी नौकरी पे हो या बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो इन्हीं की वजह से। इनकी इन्होंने जब पेट काट काट के पढ़ाया है ना तुम्हें, तुम जाके तुम इतने काबिल बने हो, तो इनको जो निकाल देते हो ना शादी के बाद या फिर अच्छा कोई जॉब पाने के बाद, तो बहुत गलत चीज़ है। तो इनके इमोशन समझने की हम कोशिश करते हैं और कुछ नहीं, बस साथ में थोड़ी देर मस्ती मजाक करेंगे और खाएंगे पिएंगे, और फिर उसके बाद इनको छोड़ दूंगा मैं वृद्धाश्रम, और फिर उसके बाद हम चलेंगे वापस से अपने इनॉग्रेशन समारोह पे। दिक्कत कोई समस्या तो नहीं हुई ना? ना है कोई समस्या नहीं, खाना वाना ठीक रहा? बढ़िया रहा, ठीक बढ़िया रहा। गाड़ी गुलाब क्या बनाओ? बने बने कार वाला सिस्टम की कार के अंदर कॉल पट्टी नहीं है, तो वैसा ही सिस्टम कुछ नहीं हुआ है और कुछ है। लेकिन एनीवे वो भी बहुत खुश थे, उनको मतलब इतने टाइम बाद इतना अच्छा बढ़िया खाना मिला और इतनी रिस्पेक्ट मिली, तो उन्हें भी अपनापन सा फील होता है। और जो अपना पन दे सकते हो ना, जो प्यार बांट सकते हो, दुनिया में इससे बढ़कर कुछ और है नहीं। चार दिन की जिंदगी है, उसके बाद तुम कहाँ हम कहाँ, पता नहीं रहेंगे ही नहीं रहेंगे, तो प्यार बांटते रहो और प्यार करते रहो। अभी अब चलते हैं अपने घर की तरफ।